गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज सेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 4। तो जो भी अभी हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, माया की स्टोरी एंड द अदर थिंग्स रिलेटेड टू द डेमोक्रेसी। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था, द थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो हम किन किन तरीकों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, यस मैम, चलिए। तो यस मैम, चलिए। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि माया की जो लाइफ है वो पहले से आज के टाइम पे कैसे डिफरेंट है। दैट मींस कि अभी हम सबने पढ़ा है कि माया साउथ अफ्रीका में रहती है, तो उसकी लाइफ जो पहले की लाइफ थी साउथ अफ्रीका में, उससे आज की लाइफ कैसे डिफरेंट है। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? मैम, पहले मैम जिस कठिनाई में मैम लोग रहते थे मैम, उससे आज बहुत बढ़िया है। यस सिद्धात्री, यस महक, नाउ यू टेल बेटा। मैम, इन बिफोर साउथ अफ्रीका पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेट इन द हॉस्पिटल्स। द ब्लैक पीपल हैड द अनदर हॉस्पिटल एंड द व्हाइट पीपल हैज द अनदर हॉस्पिटल, बट इन माया'स लाइफ टुडे दिस ऑल कैन बी सेम। चलिए, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि पहले कैसी थी साउथ अफ्रीका की लाइफ, वहां पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो अभी हमने पढ़ा था, देखिए माया की मदर क्या बताती है कि वहां पर बहुत ही बुरी कंडीशन थी, और क्या बताती है वो, देखिए उसकी माँ ने साउथ अफ्रीका के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो पहले जो गवर्नमेंट थी, द अर्लियर गवर्नमेंट वॉज अपार्टाइड लॉ, वहां का जो कानून था वो एक पक्षीय था, सबके फेवर में नहीं काम करता था, वो एक पक्ष में था, एक फेवर में था। अपार्थेड मीन्स सेपरेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेट्स। तो अपार्थेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दें, किसी एक चीज को ज्यादा इंपोर्टेंस दें, और किसी एक ग्रुप को हम लोग नेग्लेक्ट करें। तो ऐसा ही सेम साउथ अफ्रीका में हो रहा था पहले। एंड साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इंटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड द कलर रेस। तो माया के टाइम पे नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, साउथ अफ्रीका जो है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड था। पहले थे साउथ अफ्रीकन पीपल, सॉरी साउथ अफ्रीकन पीपल थ्री कैटेगरीज में डिवाइड, दो कैटेगरीज में डिवाइड थे, सॉरी पहले थे ब्लैक पर्सन और दूसरे थे व्हाइट। तो यहाँ पर ब्लैक, दैट मीन्स की कलर को लेकर के यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जो ब्लैक पर्सन थे उन्हें व्हाइट पर्सन के एरिया में जाना अलाउ नहीं था, स्कूल में अलाउ नहीं भेदभाव था सब में। यस, तो कलर को लेके भेदभाव किया जाता था, बट माया के टाइम पे ऐसा नहीं है। ओके, एंड जो माया है वो किस में रहती है, कि माया अब जो रहती है गवर्नमेंट, यहाँ पर अब कौन सी गवर्नमेंट हो गई है, डेमोक्रेटिक। तो माया लिव्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कलर या फिर रेस। तो यहाँ अब माया जिस एरिया में रहती है, जिस कंट्री में रहती है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता। ओके, यस मैम। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू लोग अपना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में करते हैं, दैट मीन्स कि लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में दिखता है। तो कौन कौन से तरीके हैं, वो कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के कामों में होता है। मैम, थ्रू द इलेक्शन एंड बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय टेकिंग आउट रैलीज। यस, तो देखिए कैसे होता है, बिल्कुल ठीक बताया महक ने। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक पूरा टॉपिक ही था इससे रिलेटेड, पार्टिसिपेशन। ये रहा,
तो देखिए, सॉरी, फर्स्ट है थ्रू द इलेक्शन, तो इलेक्शन के थ्रू हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इलेक्शन के बाद, यानी कि अगर 5 टाइम के लिए हमारी, 5 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट चुन ली जाती है, इस बीच हमारा पार्टिसिपेशन कैसे होता है? तो देखिए, हम यहाँ पर कैसे करते हैं, तो पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के कामों में इंटरेस्ट लेके, या फिर उसकी क्रिटिसाइज, या फिर उसकी आलोचना करके। ओके, यस और इसको ये कैसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल बाय वेरी शार्पली, दे टुक आउट रैलीज एंड ऑर्गेनाइज द सिग्नेचर कैंपेन। तो इसके लिए या तो वो रैली निकालते हैं, या फिर हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट करते हैं, किसी के खिलाफ एक नोटिस तैयार करते हैं, और जितने पीपल्स उसके अगेंस्ट होते हैं वो सभी क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर उस अप्रूवल पे करते हैं। दैट मीन्स कि हम भी इसके खिलाफ हैं। तो या तो वो सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करते हैं, या फिर रैलीज निकालते हैं। ओके, चलिए यस तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? व्हाई डू यू थिंक यू नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट? तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि बहुत बार कोई विवाद हो, कोई विरोध हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर संघर्ष हो, तो हमें इस सिचुएशन में गवर्नमेंट की जरूरत है? यस बेटा, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व आउट करने के लिए, या फिर किसी विरोध को सॉल्व आउट करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? क्या हम लोग खुद नहीं सॉल्व आउट कर सकते? नो मैम, नहीं, तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? गवर्नमेंट की। देखिए, अभी हमने एक लास्ट क्लास में एक मैम एग्जांपल गवर्नमेंट, पढ़ा था कि जहां पर किसी चीज को लेके विवाद हो गया और उसे एट द एंड किसको सही करना पड़ा, हमारी गवर्नमेंट को। याद है आप सभी को कौन सा एग्जाम्पल गवर्नमेंट था? यस मैम, कौन सा एग्जाम्पल था वो? मैम रिवर्स के लिए। यस, रिवर के लिए, कावेरी नदी के लिए। तो कावेरी नदी के लिए यहाँ पर क्या चल रहा था? लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो आपस में विरोध कर रहे थे, और इसे ही स्टॉप करने के लिए, इसी विरोध को स्टॉप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। क्योंकि अगर लोग रहते ना, तो वो तो क्या करते, डायरेक्टली वायलेंस को अपना लेते, डायरेक्टली हिंसा अपनाते। वो सोचते हमें ज्यादा चाहिए, दूसरे सोचते हमें ज्यादा चाहिए, और इसीलिए क्या होता, फिर लड़ाइयां होती, मार धाड़ होती, और एट द एंड बहुत सारे लोग मारे जाते। तो इन सभी चीजों को सॉल्व आउट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए दोनों एरिया के बीच में किसे एक्शन लेना पड़ता है? गवर्नमेंट को। तो देखिए, अभी हमारा मैम नेक्स्ट टॉपिक है। यस, टॉपिक कहाँ दिया हुआ है हमारा? यस, नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो इन संघर्षों को सुलझाने की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं? क्योंकि जो लोग हैं ना, वो अपने जैसे दूसरे को नहीं मानते हैं, वो सभी को इक्वली नहीं इम्पोर्टेंस देते। और यही सेम हुआ था माया की स्टोरी में। अगर सभी लोग एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, दैट मीन्स कि जो व्हाइट पर्सन है, वो अगर ब्लैक को भी अपने इक्वल समझते ना, तो उस एरिया में ऐसा होता ही नहीं। और यस मैम, मैम वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था यस। तो देखिए, फिलहाल बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी जब रहती है ना, तब भी दो स्टेट्स के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है कभी कभी, या फिर किसी दो रिलीजन के बीच में। देखिए, जैसे हमें बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर। तो ये देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट कब होते हैं? जब अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग धार्मिक बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग, या फिर अलग अलग क्षेत्र के लोग, या फिर उनका इकोनॉमिक स्टेट्स अगर अलग अलग है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो जब सिचुएशन ये आती है कि वो एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते, उस सिचुएशन में क्या होता है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और व्हेन सम अमोंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और या फिर कब होता है कॉन्फ्लिक्ट, जब किसी को ऐसा लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है।
और इसके लिए पीपल क्या करते हैं, पीपल मे यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंस। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपनी पहचान पाने के लिए या अपने को ज्यादा पावरफुल बताने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हैं, मार धाड़ पे उतर जाते हैं। और इसके फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। और इससे केवल जो लड़ाई कर रहे हैं वही नहीं, जो उस एरिया में बाकी लोग रहते हैं ना उनको भी डर लगा रहता है। अब आप ही सोचिए, आप जहां पर रहते हैं वहां दो फैमिलीज के बीच में लड़ाई हो रही है खूब तेज तेज, और उस समय आप क्या करेंगे, आप भी अपना घर बंद करके बैठ जाएंगे, सोचेंगे अरे हम बाहर निकले तो समझाएंगे। यस, पुलिस को बुलाएंगे लेकिन खुद थोड़ी जाएंगे सुलझाने के लिए कि नहीं छोड़ो, आप उसको खुद मार खाना होगा, खुद जाएगा। और दूसरी ये बात कि आप उस सिचुएशन में किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपकी गलती है, जिसको आपने बोल दिया ना तो बस वो तो लड़ाई करने वाले को छोड़ देगा, आपके साथ स्टार्ट हो जाएगा, यही कंडीशन आती है ना। यानी कि जब भी देखिए, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कॉन्फ्लिक्ट्स वाला, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसका देखिए बिल्कुल एक पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कब होते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के स्टार्ट होने के बाद क्या सिचुएशन आ जाती है, और फिर इसके लिए एट द एंड ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस पैराग्राफ में पूरा आंसर बताया हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कब स्टार्ट होते हैं, जब सभी लोग एक साथ नहीं रहना चाहते, वो अलग अलग होते हैं, अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन को मानने वाले होते हैं, अलग रीजंस के से होते हैं, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रेफर करते हैं, एंड दूसरा जब उन्हें ये फील होता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में वो लोग क्या हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, भयानक हो जाते हैं और हिंसा दैट मीन्स की मार धाड़ स्टार्ट करते हैं। और इससे जो आसपास के एरिया है, दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। और इससे जो उस एरिया में जो बाकी लोग रहते हैं ना उनमें भी टेंशन क्रिएट हो जाती है। एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, उस समय गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि वो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करे, सुलझाए। ओके, यस मैम। एंड अगर गवर्नमेंट नहीं सुलझाएगी तो कंडीशन क्या आ जाएगी, वो दोनों इतनी बुरी तरह लड़ने लगेंगे, आसपास के एरिया को भी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड कर देंगे। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक टू एंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। तो हमारी गवर्नमेंट को व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट टेक, हमारी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है टू एंश्योर दैट All people are treated equally। ये ensure करने के लिए, लोगों के बीच में ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप सभी बराबर हैं। तो लोगों को ऐसा फील कराने के लिए कि आप सब बराबर हो, गवर्नमेंट क्या करती है? Yes, मालूम है इसका आंसर? तो लोगों को ये फील कराने के लिए कि आप सभी बराबर हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है इस सिचुएशन में? चलिए अविरल आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैम सोशल वर्क करती है। सोशल वर्क नहीं करती है बेटा, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अभी देखिए, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी रिवाइज किया हुआ है इस चीज को कि हमारी गवर्नमेंट सभी को बराबर बनाने के लिए क्या करती है। मैम जस्टिस, मैम जस्टिस। Yes, तो यहाँ पर फेयर जस्टिस की व्यवस्था है, यानी न्याय सभी के लिए, सभी के साथ इक्वली न्याय किया जाएगा। और क्या किया गया है मैम, गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा तो उसे जेल में कर देंगी। Yes, तो गवर्नमेंट ने ये भी रिटन फॉर्म में लिखवाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई अनटचेबिलिटी करता हुआ पाया गया, अछूत प्रथा को अपनाता हुआ, या फिर कोई डिस्क्रिमिनेट करता हुआ पाया गया, कि डिस्क्रिमिनेशन पाया गया, तो उस जो करने वाले होंगे उन्हें पनिश किया जाएगा। एंड इसके अलावा मैम आज के समय में जैसे मास्क लोग नहीं लगा के चलते, उनके लिए मैम खुद की खतरा की गवर्नमेंट उनको मैम सलाह देती है कि लगाए रहो। यस, तो गवर्नमेंट मास्क प्रोवाइड भी करती है। यस, तो फिलहाल आज कोविड-19 के टाइम पे ये तो है कि गवर्नमेंट जो है वो
जब मास्क के लिए बोलती तो ये नहीं देखती कि वो कौन है, वो सभी को उसके लिए पनिश करती है। चलिए तो अभी आपको पता है इसके लिए जो स्पेशल चीज की गई है वो क्या है? नहीं याद किसी को भी? नो मैम। बेटा इसके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रावधान बनाए गए हैं। एंड आप सभी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना होगा, तो हम सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, राइट्स ऑफ लिबर्टी, राइट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस द स्पीच। दैट मींस कि बहुत सारे हमें राइट्स दिए गए हैं और वो सभी के लिए हैं। उसमें वो राइट्स सभी को दिए हैं और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दैट मींस ये नहीं सोचा जाएगा कि ये कोई अपग्रेडेड है, ये अमीर है, ये गोरा है, या फिर ये किसी अच्छे धर्म का है, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। जितने भी पीपल्स इंडिया में रहते हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और दूसरी एक और चीज आप भूल गए, अभी हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। यस मैम, यस मैम। सभी वोट डाल सकते हैं, किसी के भी बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि कौन कहाँ से आया है, कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है। तो इंडिया में रहने वाला हर एक पर्सन, अगर वो 18 की ईयर क्रॉस कर चुका है तो दैट इज एलिजिबल टू वोट। तो अगर वो 18 ईयर क्रॉस कर चुका है तो वो वोट डाल सकता है। कोई भी ये नहीं कहेगा उसे कि नहीं आप अमीर हो, आप गरीब हो, या फिर आप किसी और धर्म को मानते हो, ऐसा कहा जाता है? नहीं। नो मैम। देखिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैक्नेस स्टार्ट किया है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी लोग वोट डाल सकते हैं। और दूसरा, इसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी सारे प्रोविजन बनाए गए हैं। जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उनको क्या किया गया है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया जाता है उन्हें बहुत सारी सीट्स में। देखिए अभी हमें इससे रिलेटेड भी दिया होगा, तो अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। तो जो पहले जो प्रैक्टिस की जाती थी अनटचेबिलिटी, अछूत प्रथा अपनाई जाती थी, उसे अब बैन कर दिया गया है। दूसरा, दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। सभी को एजुकेशन लेने का, ट्रांसपोर्ट में साथ बैठने का, मेडिकल फैसिलिटी का एंड प्रेयर करने का इक्वल चांस दिया गया है। एंड दूसरा, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल फॉर इंस्टेंस। तो देखिए अभी हमारे जो गवर्नमेंट है उसने उस ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया है, पहचाना है, जिन्हें स्पेशल प्रोविजन की जरूरत थी। तो उन्होंने ग्रुप्स को पहचाना है, कौन से माइनॉरिटीज थे, कौन से पिछड़े लोग रह गए थे हमारी सोसाइटी के, और उन्हें उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं। एंड इन अवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। और हमारे समाज में जो पहले से होता आता था ना, कि जहां पर बॉय चाइल्ड को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, गर्ल चाइल्ड को कम दी जाती थी। सिद्धात्री आप किसी से बातें कर रहे हो? No. तो देखिए जो अब आपने वीडियो भी ऑफ कर लिया, अब आप बातें ही करोगे या नहीं? फिर मैं यहां से रिमूव कर दूंगी अगर बातें ही करनी आपको। तो देखिए हमारी सोसाइटी में पहले क्या होता था, बॉय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, गर्ल्स को कम दी जाती थी। तो अब देखिए हमारी गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को पहचाना और उन्होंने क्या कर दिया, फीस, देखिए जो फीस है माइट बी वेव्ड और लोअर्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज फॉर द गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए जो फीस है ना गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेज में, वो कम कर दी गई है। तो गर्ल्स का जो स्कूल है, गर्ल्स के जो कॉलेज है, बॉयज के अकॉर्डिंग इनकी जो फीस है वो कम कर दी गई है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को पढ़ाएं। ओके यस। सिद्धात्री आप फिर बातें कर रहे हो, एंड इस बार मैं आपको वार्न नहीं करूंगी फिर। चलिए तो अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेक अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल ऑल पीपल आर इक्वल। तो देखिए आपको क्या करना है, चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा ही है ध्यान से,
और आपको बताना है व्हाट आर द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट मींस कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा क्या होता है जो मोनार्ची में यानी कि राजतंत्र में लोगों के पास नहीं है। तो आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के फीचर बताने हैं। मैम, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल पीपल कैन वोट, ऑल पीपल हैव अ राइट टू वोट, तो सभी के पास यहाँ पर वोट डालने का अधिकार है। एंड सिद्धार्थी, आप बताएंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या फीचर्स हैं? मैम वो मैम अपने मैम कुछ कंट्रीज को देख सकती है। क्या दे सकती है? मैम अपने स्टेट में अपना मैम राज्य। मुझे समझ में नहीं आया फिलहाल। प्रिया, नाउ यू टेल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है जो कि मोनार्ची में नहीं होता, राजतंत्र में नहीं होता है? चलिए अरुण, आप बताएंगे अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है जो कि मोनार्ची में नहीं है। अगर अभी आप अपना पिछला वाला चैप्टर याद करें ना, तो उसमें चैप्टर ही था गवर्नमेंट, चैप्टर ही था पूरा गवर्नमेंट के बारे में, और उसमें हमें डिफरेंस भी बताया था मोनार्ची में एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंट है। मैम दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग एंड। मैम ये भी पीपल कैन इलेक्ट देयर लीडर्स। यस, यहाँ पर लोग अपना नेता चुन सकते हैं, अपने राजा को चुन सकते हैं, बट मोनार्ची में ऐसा नहीं होता है। यस मैम। एंड इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की? नहीं मालूम किसी को? चलिए अब एक मिनट आप वेट करेंगे, मैं दूसरा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, तो दो टाइप्स की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। लोग हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, दे डू दिस थ्रू द इलेक्शन। और ऐसा वो कैसे करते हैं? इलेक्शन के थ्रू। और दैट मीन्स कि जिसे गवर्नमेंट ने चुना है ना, वही राजा बन सकता है, वही किंग बन सकता है। सॉरी, किंग नहीं है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर है। तो जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, लीडर वही बनता है। और ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ पर जनता यानी कि पीपल्स। लेकिन मोनार्ची में ऐसा नहीं है। कभी भी राजा लोगों से नहीं पूछता था कि मैं राजा बनूं या किसी और को गुना दूं, नहीं पूछता था ना? नो मैम। नो मैम। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास पावर होती है। एंड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट एक्शंस। अब देखिए, डेमोक्रेसी में एक और चीज है, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, लीडर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या डिसीजन है हमारा लोगों के लिए। लेकिन जो किंग होता है उसको इस टाइप की कोई सफाई नहीं देनी पड़ती, ना ही उसे बताना पड़ता है अपने एक्शन को, अपने कामों को। वो जो चाहता है वो करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है उसे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं अपने एक्शंस को एंड अपने डिसीजन को कि उसने क्या क्या डिसीजन लिए हैं। ओके, यस मैम। एंड देखिए दूसरा, और आप क्या लिख सकते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है? फिलहाल अभी ये दूसरा चैप्टर पे आते हैं। तो डेमोक्रेसी में और क्या होता है, लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और मोनार्ची में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इन द डेमोक्रेसी द पीपल हैव द फंडामेंटल राइट्स और वो उसे यूज कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि किसी सिचुएशन में उनके फंडामेंटल राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो लोग, इस सिचुएशन में वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और फिर उन्हें अगर लगता है, अगर जांच होगी, जांच पड़ताल होगी, और अगर पता लग गया कि इन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिले, तो जो भी वो कम्युनिटी होगी, जो भी वो पर्सन होगा जिसने उसे डिस्टर्ब किया होगा, उसे पनिश किया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। ओके, यस मैम।
चलिए तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, हाउ वुड मायाज लाइफ बी इन डिफरेंट इन द साउथ अफ्रीका टुडे। तो पहले की लाइफ कैसी थी? पहले की लाइफ में लोगों के जो पहले की लाइफ थी साउथ अफ्रीका में, तो वो माया से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, क्योंकि जो पहले का टाइम था वहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों के साथ। साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नड बाय अपार्थाइड लॉ। पहले वहां पर अपार्थाइड लॉ चलाया जाता था, जो कि अब नहीं है। और अपार्थाइड की मीनिंग भी हमें बताई है, मींस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एंड साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट एंड ब्लैक। एंड इसके देखिए तो हम इतना लिख सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वहां पर पहले कौन सी गवर्नमेंट थी? अपार्थाइड गवर्नमेंट। और वहां पर जो साउथ अफ्रीका है वो दो ग्रुप में डिवाइड था, एक थे व्हाइट इंडियन, एक थे व्हाइट ग्रुप एंड दूसरे थे ब्लैक। और दूसरा देखिए और क्या होता था उस टाइम पे, हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंस, एंड एम्बुलेंस मीन फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड। ये फिलहाल आपको नहीं लिखना है आंसर, बहुत लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हमें केवल ये लिखना है कि इस टाइम पे क्या था, डिस्क्रिमिनेशन। तो इन द अर्लियर टाइम्स डिस्क्रिमिनेशन वॉज प्रेजेंट एंड द व्हाइट पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ब्लैक पीपल। लेकिन अब क्या है, इन द टूडेज टाइम, इन द मायाज टाइम, द डिस्क्रिमिनेशन वॉज नॉट प्रेजेंट। तो माया के टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अब नहीं है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। एंड माया लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो माया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, सभी को इक्वल राइट्स मिले हैं, द ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट है थ्रू द इलेक्शन, पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन। एंड दूसरा हमें क्या दिया था, बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ, यस, बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। तो उसके कामों की प्रशंसा करके और अगर नहीं पसंद आता है तो उसकी आलोचना भी करी जाती है। एंड कैसे आलोचना करते हैं, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज द सिग्नेचर कैंपेन। ओके, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, Why do you think we need the government to find solution to many disputes or conflicts? तो हमें क्यों लगता है कि हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है? तो हमें यहाँ पर इसका आंसर दिया था, yes ma'am, yes ma'am। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे ही लोग एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो एक दूसरे के बीच में नहीं रहना चाहते, या फिर किसी ग्रुप को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पीपल मे यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो अपने डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वायलेंट का सहारा लेते हैं, और इससे दूसरे लोगों के बीच में टेंशन और फियर स्टार्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, yes, ma'am. What actions does the government take to ensure that all people are treated equally? तो government को government कैसे ensure करेगी कि सभी peoples जो हैं वो equal हैं? तो यहाँ पर देखिए, तो आपको लिखने हैं, the सबसे पहले आप heading डालेंगे, the actions does the government take to ensure that all peoples are treated equally? तो first point आप डाल के लिख सकते हैं कि all people have universal adult fairness, all person have the right of universal, या फिर आप इतना बड़ा लिखने के बजाय ये लिख सकते हैं, all person have right to vote। तो यहाँ पर सभी persons को वोट डालने का अधिकार है। एंड दूसरा देखिए यहाँ पर हमें दिया ही हुआ है,
सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ. तो जो पहले अछूत प्रथा प्रेजेंट थी उसे आज के टाइम पे कानून के द्वारा बैंड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है, अब कोई नहीं करेगा. एंड इसके अलावा देखिए थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप. ये आप रिकॉग्नाइज वाला नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, द गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल. तो जो लोग अनइक्वल है, जो लोग बराबर नहीं है बाकियों के, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाती है. ओके यस मैम. ये तो ये आपको तीन चार पॉइंट लिखने हैं, कर लेंगे ना सभी. यस मैम. एंड दूसरा आपको क्या लिखना है इसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स बताने हैं, कर लेंगे ये भी, अभी हमने डिस्कस किया था. यस मैम. चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही. आज आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर सबमिट करने हैं. एंड दूसरा अभी बेटा वर्ड मीनिंग नहीं भेजी है मैंने आपको, तो मैं yes, ma'am. जैसे ही डाउनलोड हो जाती है मेरे फोन में मैं तुरंत सेंड करती हूँ. ओके यस मैम. चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम अब हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है मैम, ज्योग्राफी. ओके चलिए तो मैम ज्योग्राफी में फोर्थ चैप्टर तक हो गए. यस तो अब हमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में 4 हो चुके हैं, हो चुके हैं ना. यस मैम. ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में. ओके बेटा तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन. मैम गुड बाय. गुड बाय.